वेलकम बैक, आई एम शहजाद वहीद। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इफ एल्स स्टेटमेंट की, और मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि व्हाई इफ एल्स इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इन C++। तो आज हम इफ एल्स के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सो ओपन योर कंपाइलर, प्रेस कंट्रोल एन, यहाँ पर हम इफ एल्स की कुछ एग्जाम्पल्स को कोड करेंगे। हम एक सिचुएशन अपने दिमाग में बना लेते हैं कि हमने अपने कंपाइलर को इतना इंटेलिजेंट बनाना है कि ये दो लोगों की एजेस को आपस में कंपेयर कर सके और हमें बता सके किसकी एज ज्यादा है और किसकी एज कम है। इसके लिए मैं एक स्ट्रिंग लूंगा, स्ट्रिंग के अंदर मैं बंदे का नाम स्टोर करूंगा, इसकी जगह मैं स्टूडेंट रख लेता हूँ। बंदे का नाम स्टोर करूंगा और इंटीजर डाटा टाइप लूंगा जहां पर मैं बंदे की एज स्टोर करूंगा। ठीक है जी, सी आउट प्लीज प्लीज कैप्स लॉक प्लीज एंटर योर नेम। बंदा अपना यहाँ पे नाम एंटर करेगा, सी इन में हम उससे स्टूडेंट वन वाले वेरिएबल में उससे नाम ले लेंगे, सी आउट मैं इसे हैंडल कर लेता हूँ और हैंडल को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे बार बार काम आता है, कंट्रोल सी। और अब हम सेकंड बंदे का नाम पूछ लेते हैं इससे, सी आउट प्लीज एंटर सेकंड स्टूडेंट नेम। ठीक है जी, सेकंड स्टूडेंट का नाम आएगा हमारे पास स्टूडेंट टू वाले वेरिएबल में, और इसी तरह मेरे पास मैंने यहाँ पर एक कैंडल लगाया और मैं इसकी एज पूछने वाला हूँ। इनफैक्ट मुझे एज इसके फौरन बाद पूछ लेनी चाहिए थी, सी आउट यस, यहाँ पर मैं इसका नाम लिखता हूँ जो भी इसने नाम एंटर किया, स्टूडेंट वन प्लीज एंटर योर एज, सी इन एज वन यहाँ पर आ गई और यहाँ पर मैंने एंटर लगा दिया। स्टूडेंट टू का उससे नाम पूछा, यहाँ पर इसके एज से पूछते हैं, सी आउट स्टूडेंट टू प्लीज एंटर योर एज। चलो यहाँ पे मैं हैंडल लगाता हूँ, नीचे लगाने की मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हैंडल की जरूरत नहीं है मुझे, स्क्रीन में इशू, अब हैंडल लगा देते हैं। अब स्टूडेंट का काम खत्म हो गया, स्टूडेंट वन ने अपना नाम दे दिया, स्टूडेंट टू ने अपना नाम दे दिया, स्टूडेंट वन ने भी अपनी एज दे दी, स्टूडेंट टू ने भी अपनी एज दे दी। अब मेन काम आपका शुरू हुआ है, अब आपने कंपाइलर को बताना है कि वो कैसे डिसाइड करे कि उसके पास जो एजेस आई है उसमें से किसकी उम्र किससे ज्यादा है। आप एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, आप कहेंगे इफ एज वन इज स्मॉलर देन एज टू तो क्या करें, सी आउट नेम वन ये स्टूडेंट वन वेरिएबल है, मैं बार बार भूल जाता हूं, स्टूडेंट वन इज यंगर देन स्टूडेंट टू, स्टूडेंट टू की बजाय यंगर देन, थोड़ा सा सेम अच्छा बना लेते हैं ना, स्टूडेंट टू, यहां पर गलती थी, स्टूडेंट वन के नाम से वेरिएबल है मेरा। और अगर इन केस हम इसे ट्राई करते हैं, स्टूडेंट वन की एज को स्टूडेंट टू से हम कम रखेंगे जानबूझकर, एग्जांपल्स सी इन स्टूडिया, स्पेलिंग मिस्टेक था, स्टूडेंट टी नहीं डाला था मैंने, सी इन एज टू बिल्कुल ठीक है, इज नॉट डिक्लेयर्ड एज, या एज टू मैंने डिक्लेयर नहीं किया था, एज टू यहां पर आ गया। अच्छा जी, प्लीज एंटर योर नेम, आई एम गोना से शहजाद, प्लीज एंटर योर एज, आई एम गोना से थ्री, प्लीज एंटर योर नेम, आई एम गोना से अली, प्लीज एंटर योर एज, आई एम गोना से फाइव। अली की, हमने शहजाद की एज को अली की एज से कम रखा, ये बताएगा शहजाद इज यंगर देन अली। नाउ लेट्स सपोज हम अली की एज को कम रखते हैं, नहीं ये मैंने गलती की, इंटीजर डेटा टाइप ने यहाँ पे नाम देना था मुझे, शहजाद दो अली एक। अब शहजाद अली से बड़ा है लेकिन कंपाइलर ने हमें कुछ नहीं बताया, क्यों, क्योंकि हमने कंपाइलर को कुछ नहीं बताया। तो यहां पर हम कंपाइलर को बताएंगे कि भाई अगर इसके उल्टी, इसके खिलाफ है कुछ, एज वन एज टू से छोटी नहीं है बल्कि बड़ी है तो क्या करे। मैं इस लाइन को कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूं और थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं इस लाइन में,
कि स्टूडेंट वन इज नॉट यंगर देन स्टूडेंट टू इज यंगर देन स्टूडेंट वन। अब इसे हम ट्राई करते हैं, कंपाइल किया मैंने इसे दोबारा, शहजाद की एज हम बड़ी रखते हैं अली से, मैं कहता हूँ 56 साल, अली का नाम मैं कहता हूँ 32 साल, अली इज यंगर देन शहजाद। और अगर मैंने क्या किया, और अगर हम अली को ओल्डर बना दें तो मैं करूंगा शहजाद 2 अली 34, शहजाद इज यंगर देन अली। तो एज के अंदर दो कंडीशंस भी होती, मतलब अगर आप किसी से छोटे हैं या कोई आपसे छोटा है, जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को दूसरे बंदे से कंपेयर करें, हमेशा आपके पास आंसर स्मॉलर देन या ग्रेटर देन में ही आए। कई मतलब ऐसा होता है कि दो लोगों की एज आपस में एग्जैक्टली मैच कर जाती है, कि अगर आप 16 साल 3 महीने और 32 दिन के हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, अगर आप 16 साल 3 महीने और 21 दिन के हैं, उनको दूसरा बंदा भी 16 साल 3 महीने और 21 दिन के, तो आप लोगों की एज सेम है। इन दिस सिचुएशन हम टेस्ट करते हैं कि हमारे कंपाइलर क्या करेगा। शहजाद एज है जी 5 साल, अली एज है जी 5 साल। कंपाइलर कह रहा है अली इज यंगर देन शहजाद, कहीं कंपाइलर का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि कंपाइलर एक डम चीज है, इसे कुछ नहीं पता इसने क्या करना है, इसे आपने बताना है भाई इसने क्या करना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, तो हमने यूज कर ली। अब अगर इफ के लिए हमें दो कंडीशंस लगानी पड़ जाएं, तो हम इसके लिए एल्स इफ स्टेटमेंट का सहारा लेते हैं। एल्स इफ स्टेटमेंट की बात मैं इस लेक्चर में करने के बजाय अगले लेक्चर में करना पसंद करूंगा, ताकि ज्यादा अच्छी तरह समझा सकूं और इस लेक्चर की लेंथ मेरी बहुत लंबी ना जाए। सो अगला लेक्चर देखिए अगर आप जानना चाहते हैं कि दोनों दो बंदों की एज एक जैसी आ जाए तो क्या करना है। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल बाय द वे।